सच्ची में भी जाए थोड़ी ना हो रही है मेरी। हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। सो आज की वीडियो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। जो मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था, पाकिस्तानी स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तानी मेकअप लुक, बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए थे, मैसेजेस आए थे। मैं बोलूँगी इंस्टाग्राम पे आए हैं, यूट्यूब पे बहुत कम आए हैं, आए यूट्यूब पे भी हैं। सो उधर मुझे ये बोला गया कि आपने पाकिस्तानी इंडियन मेकअप तो बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक इंडियन मेकअप भी बताओ। तो आज की वीडियो में वही करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास आउटफिट नहीं है ब्राइडल्स वाले, तो मैंने एवं कुछ भी लाइक पिंक किया, जो भी मेरे पास था मैंने वही वेयर किया है। जो ब्राइडल मेकअप है वो और ब्राइडल के आउटफिट के अकॉर्डिंग करने वाले, तो मेकअप पे ध्यान देना, आउटफिट पे थोड़ा कम ही ध्यान दोगे तो ठीक है। सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। माय चैनल, वेलकम टू माय, प्लीज सकर कराई। ओके, सो एज यूजुअल मेकअप में सबसे पहला स्टेप होता है CTM। तो CTM में सबसे पहले सी क्लिनजर, क्लिनजर के लिए मैं यूज़ करूँगी NYBA के मेकअप रिमूवर वाइप्स, ये वाले मैं यूज़ कर रही हूँ। गाइस इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, आई जस्ट लव इट। बंदा यूज़ करते करते बेहोश हो जाए, आई मीन टू मदहोश हो जाए, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है इसकी। मैं इसका ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, बिकॉज अभी मैं अगर इसके डिटेल्स के बारे में बात करने लगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से लेना है आपको वेट वाइप, और अच्छे से जहाँ से डर्ट है, नो टी जोन एरिया पे अगर आपको ऑयली स्किन है तो वहाँ पे अच्छे से इसको यूज़ करें। एंड एक सजेशन मैं दूंगी, अगर आप रियल ब्राइड है या नहीं भी, अगर आप मेकअप कर रहे हैं, गेस्ट मेकअप कर रहे हैं या कुछ भी मेकअप कर रहे हो, पार्टी मेकअप, तो आपके फेशियल हेयर रिमूव होने चाहिए। काफ़ी हद तक जो फेशियल हेयर्स होते हैं ना, वो भी आपके मेकअप को यू नो इतना फ्लॉलेस नहीं बनने देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आता है टोनर, और अभी थोड़ा सा विंटर सीजन है तो टोनर को आप स्किप कर सकते हो। टोनर की जगह पे आप कोई भी हाइड्रेटिंग सीरम यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे इतना हाइड्रेशन की जरूरत नहीं होती है फेस को। हाँ जरूरत होती है, बट इतनी नहीं होती है, तो मैं डायरेक्टली मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी। और मॉइस्चराइजर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम। ये एक ऑयली स्किन वालों के लिए ये मुझे बहुत ही प्यारा एक मॉइस्चराइजर लगता है। ये नॉन स्टिकी है और एक्चुअल में इसकी फ्रेग्रेंस एक्चुअल में 24 आवर्स तक रहती है जब आप इसे अप्लाई करते हो। आप ऑयल स्किन वालों के लिए अलग से मॉइस्चराइजर आते हैं, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन तीनों स्किन के लिए। कौन से प्रोडक्ट, किस किस टाइप के प्रोडक्ट आपको यूज़ करने चाहिए, सारा प्रोडक्ट का एकदम स्टेप बाय स्टेप बायो डाटा मैंने अपनी प्रीवियस तीनों वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, जाके चेकआउट जरूर करना। ब्राइड हो या किसी भी टाइप का मेकअप कर रहे हो, आपको सबसे पहले अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए। स्किन केयर के जितने भी आप स्टेप्स यूज़ करते हो ना, उसके बीच में आपको 2 to 3 मिनट्स का टाइम देना चाहिए ताकि वो आपकी स्किन के ऊपर पेनिट्रेट हो, वर्क करे अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप हम यूज़ करेंगे प्राइमर। वेयर इज माय प्राइमर? नेक्स्ट स्टेप हम यूज़ करेंगे प्राइमर, बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है तो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन ओल्ड फ्री फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर। ये बहुत अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए, आई जस्ट लव दिस प्राइमर। ये भी आप प्राइमर यूज़ करें, ये नहीं है प्राइमर को आपको भर भर के यूज़ करना है, आप अकॉर्डिंग टू योर फेस आप यूज़ करें। मेरा फेस छोटा है तो मैं थोड़ा प्राइमर यूज़ करती हूँ, एंड इसको अच्छे से मैं एक्टिवेट करती हूँ कुछ इस तरीके से। अपने आप बैक ऑफ द हैंड भी लेकर के इसे एक्टिवेट कर सकते हो। फिर जहाँ जहाँ से मेरा मेकअप हट जाता है, मैं अच्छे से 1-2 मिनट के लिए इसके अच्छे से मसाज करूँगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं आई एज यू कैन सी कि मेरे जो मुझे थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है लाइक अंडर आइज पे, माउथ राउंड पे थोड़ा थोड़ा है, तो मैं इसको हाइड करूंगी। और उसके लिए मैं यूज़ करूंगी एक शेड डार्कर कंसीलर, मैं यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम का सुपर सीरम कंसीलर विद हाइलोरोनिक एसिड इन द शेड इज 301W क्रैमल। बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, मीडियम डार्क सर्कल्स हैं, ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना नहीं आता, पर्पल करेक्टर, ग्रीन करेक्टर, इसका एक प्रॉपर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वीडियो मैंने अभी जस्ट अपलोड किया है कुछ दिन पहले। करने के बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला फाउंडेशन लैक्मे 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवरेज फाउंडेशन। बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है तो इसलिए मैं एक मैट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, एंड ऑयली स्किन वालों के लिए ये बेस्ट फाउंडेशन है। आफ्टर दैट मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ टू कवर माई डार्क सर्कल, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बेसिकली। कवर डार्क सर्कल तो मैंने घर कर लिया बाय द वे, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड HD कंसीलर इन द शेड इज LN10। ये एक फुल कवरेज कंसीलर है, मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ ताकि एक लिफ्टेड लुक आए। आफ्टर दैट बेक करने के लिए मैं यूज़ करूँ इनसाइड का बनाना लूज पाउडर। तो लूज पाउडर यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये पिज्ज़ा पाउडर पफ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, और ये वाले ना 2 सेट मंगवाए थे मैंने मीशो से, एंड दे आर लाइक बॉम गाइज, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक मीशो से इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल जाना लाइक सोने पर सुहागा टाइप है। सोने के बाद में हम क्या करेंगे, अंडर आई पे यूज़ करेंगे। तो जब तक अंडर आइज बेक हो रही हैं तब तक मैं अपना फेस मेकअप लाइक कॉन्टोर, ब्लश एंड हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ। एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की चीकाबू पैलेट। गाइस दिस पैलेट आई जस्ट लव इट। अगर आप ब्राइड हैं, ब्राइड नहीं भी है, नॉर्मल मेकअप भी करते हैं, तो आपके पास ये वाली फेस पैलेट ना होनी चाहिए।
डन। और अब ब्लश अप्लाई करने से पहले मैं जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है, लूज पार्ट और जितना भी है, वो सारा रिमूव कर लूंगी। थोड़ा सा चिन पे भी अप्लाई करेंगे बिकॉज इट्स लुक्स क्यूट, वो बोलते हैं सन किस टाइप ऑफ। एंड उसके बाद में मैं यूज कर रही हूँ एनवे बे का ड्यूई सेटिंग स्प्रे। क्या करती हूँ, पहले यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, बस तीन स्प्रे होते हैं, दैट्स इट। इतना काम। हाईलाइटर अप्लाई करने के लिए या तो आप हाइलाइटर ब्रश, एक फैन ब्रश आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरीके का एक छोटा फ्लफी ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। एंड जब आपका पूरा फेस सेट हो जाए, मेकअप सेट हो जाए, उसके बाद में आपको हाईलाइटर अप्लाई करना है। अगर हाईलाइटर अप्लाई करना चाहते कर सकते हो। धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट में अप्लाई करो। हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। और आई मेकअप में सबसे पहले मैं आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी शेप माई ब्रो पैलेट इन द शेड इज 01। ये वाला ब्राउन शेड है और ये ग्रे शेड है, इन दोनों को मिक्स करके आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में आई मेकअप में मैं नेक्स्ट स्टेप यूज करूंगी काजल। काजल को एज आई शेडो पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ, एंड में नहीं आएगा तो लैक्मे का मैं काजल यूज कर रही हूँ। आइकॉनिक काजल लाइन करेंगे, फेक लाइन, फेक एक लाइन करेंगे। एक छोटे फ्लफी ब्रश की हेल्प से उसे आप ब्लेंड करो, ऊपर की साइड ब्लेंड करते हुए ब्लश का जो पिंक शेड है, जो ब्लश था वो वाला ही यूज करूंगी इसको ब्लेंड करने के लिए, जो क्रीज है उसके साथ अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आफ्टर दैट एज यू कैन सी कि दोनों आई शेडो के बीच में एक लाइन है, वो मैंने जान के छोड़ी है। उन दोनों को ब्लेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डार्क ब्राउन शेड लेंगे या ब्लेंड करेंगे। एंड लोअर लैश लाइन के लिए काजल यूज़ करेंगे, पहले अच्छे से भर भर के काजल अप्लाई कर लो। सेम एक पेंसिल ब्रश में कॉन्टोर शेड लेंगे हम, करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा बिकॉज काजल ज़्यादा। हाईलाइटर ले रही हूँ, थोड़ा सा हाईलाइटर ले रही हूँ तो लिड पे मैं। आई मेकअप इज डन, अभी मेरी बाकी है मस्कारा एंड लैशेज। लैशेज पे मैंने ग्लू स्टिक कर दिया, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और लैशेज मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने मीशो से कुछ ऑर्डर किया था, उसके साथ मुझे चार पेयर ऑफ आई लैशेज फ्री मिले थे बहुत साल पहले, एक डेढ़ साल पहले मैंने ऑर्डर किया था, बहुत साल बोल रही हूँ। एंड जो ग्लू मैंने यूज़ किया वो भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था। इसके साथ बोलो कि मीशो से आई लैश ग्लू गाइस एक बार ट्राई करना, ये एक्चुअली बहुत अच्छी है। यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल है ये, इसको एज अ लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये इन द शेड इज डार्क ब्राउन, ये डार्क पहले मेरा जो नाम आता है वो मुझे डार्क ब्राउन शेड लगता है। करूंगी लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड की, इन द शेड इज 25 मोल्टन पिंक। गाइस दिस लिपस्टिक्स आर लाइक चिल्लर में है, इनका ओरिजिनल प्राइस है 99 रुपीज, एंड सेल पे तो ये और भी कम में मिलते हैं। एंड मेरे पास इसके पांच अलग अलग शेड्स हैं, आई जस्ट लव द शेड्स। एंड आईलेस अप्लाई करने से पहले मैं अप्लाई करूंगी इनसाइड का मस्कारा। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस विद आईलेशेस, कैसे अप्लाई करते किस तरीके से, पर जितना जो कुछ आता है उस तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ। इज द फाइनल लुक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, आई जस्ट लव दिस मेकअप एंड कॉम्बिनेशन, आई लव इट। पिंक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, आई लव इट। एंड व्हाइट पर्ल की मैंने ज्वेलरी इसमें ऐड की है, जितनी भी ज्वेलरी मैंने यहाँ पे पहनी है ना वो सारी मीशो से ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई होप यू लाइक इट। एंड अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, एंड शेयर कर देना अपने न्यूली ब्राइड के साथ में, जो ब्राइड होने वाले उनके साथ में। मैं मिलती जुलती आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।